हे गाइस यार, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ट 5 स्मार्ट टीवीज का लिस्ट, जो आप खरीद सकते हो 25,000 के बजट सेगमेंट में। एक काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट है स्मार्ट टीवीज के लिए। पांच कमाल की टीवी का लिस्ट लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बिना वे टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। जहाँ पे दोस्तों ये जो 25,000 का बजट सेगमेंट है स्मार्ट टीवीज के लिए, काफी ज्यादा कमाल का, काफी अच्छे वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट टीवीज देखने को मिलता है। मल्टीपल ब्रांड्स की तरफ से यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है इस सेगमेंट में इस स्मार्ट टीवीज के लिए। जहाँ वैसे कुछ कमाल के पांच टीवीज में आपके लिए लेके आया हूँ जो आप खरीद सकते हो इस सेगमेंट में। जहाँ हम पांचवें नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर पहले नंबर पे जाएंगे। और इसमें सबसे मेरा पहला प्रायोरिटी इसका डिस्प्ले क्वालिटी है, देन साउंड है, देन बाकी सारे फीचर्स को भी देखते हुए लिस्ट को यहाँ पे बनाया गया है। जहाँ पे पांचवें नंबर पे हमारे पास TCL के तरफ से एक स्मार्ट टीवी जो है 40 इंच का फुल HD डिस्प्ले लेके आ जाता है। HDR10 का सपोर्ट है, तो एक अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले पैनल आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ 20 वॉट का स्टीरियो साउंड है, डॉल्बी वगैरह सब देखने को मिल जाता है, तो अच्छा साउंड आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ में एंड्रॉयड 9 लेके आता, थोड़ा सा पुराना हो जाता है, बट बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बाकी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, 1 GB RAM है, 8 GB स्टोरेज है, ठीक ठाक सा प्रोसेसर भी मिल जाता है जो यूजली हमें सारे टीवी में देखने को मिलता है। बाकी वाईफाई, क्रोम कास्ट और भी सारे स्मार्ट फीचर्स जो आपको एक टीवी में देखने को मिलने चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी 1 साल का टीवी पे वारंटी और डिस्प्ले पे आपको 2 साल का वारंटी देखने को यहाँ पे मिल जाता है TCL की तरफ से। प्राइस के बारे में बात करें तो 24,990 रुपीज़ में ये कमाल का पैकेज हमें यहाँ पे TCL की तरफ से अमेजोन पे देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से काफ़ी सही वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट है। 40 इंच का थोड़ा छोटा हो जा रहा है बाकी टीवीज़ को देखते हुए जो अवेलेबल है इस सेगमेंट पे, बट आपको एक अच्छा क्वालिटी का यहाँ डिस्प्ले मिल रहा है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर वाले स्मार्ट टीवी पे, जो आता है यहाँ पर रेडमी की तरफ से, जहाँ पे ये 43 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले लेके आ जाता है, एक अच्छा पैनल है। उसके साथ में 20 वॉट स्टीरियो स्पीकर है, डॉल्बी का भी सपोर्ट है, DTS सराउंड साउंड है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके साथ में एंड्रॉयड 11 लेके आता है, तो आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड मिल रहा है स्मार्ट टीवी के हिसाब से। और उसके साथ में वही आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, 1 GB RAM है, 8 GB स्टोरेज है। बाकी ये पैच वॉल 4 लेके आता है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिलेगा एंड्रॉयड के लेयर के ऊपर में, जो आपके लिए और भी कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पे लेके आ जाएगा। जैसे कि जो भी आपके DTH के चैनल्स हैं, जितने भी आपके सेटअप बॉक्स के चैनल्स हैं, लाइव चैनल्स, वो सबको भी ये एक जगह में लेके आ जाता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है स्मार्ट टीवी का। तो ये पैच वर्ल्ड 4 के कारण ही हमारे लिस्ट में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा स्मार्ट टीवी का इसके वजह से। उसके साथ में बाकी सारे एंड्रॉयड के फीचर्स तो है ही, और कुछ एडिशनल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेडमी के तरफ से। बाकी वही 1 साल का वारंटी टीवी पे, 2 साल का वारंटी आपको इसके पैनल पे देखने को मिलने वाला है। प्राइस के बारे में बात करें तो 24,999 यानी 25,000 में ये भी आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। और जिस पैच वॉल 4 के कारण जो आपको एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी कमाल का होगा, सो आप इसमें भी जा सकते हो, काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पर रेडमी की तरफ से। जहाँ पे दोस्तों उसके नंबर पड़ते हैं हमारे तीसरे नंबर वाले स्मार्ट टीवी पे, जो आता है यहाँ पे मोटरोला की तरफ से, ये 40 इंच का फुल HD पैनल लेके आता है। उसके साथ में ये डॉल्बी विजन भी सर्टिफाइड है, तो एक बहुत अच्छा क्वालिटी और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको यहाँ पे कंटेंट के मामले में। उसके साथ में यहाँ पे 40 वॉट का ये स्पीकर लेके आता, बाकी सब में यूजुअली आपको 20 वॉट मिलता है, बट ये यहाँ पे 40 वॉट का स्पीकर लेके आ रहा है। अगेन DTS का सपोर्ट है, डॉल्बी का सपोर्ट है, तो ऑडियो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमर्सिव और बहुत ज़्यादा कमाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मोटरोला की तरफ से। एंड्रॉयड 10 है, और ये 2 GB RAM लेके आया था, 16 GB स्टोरेज लेके आया था, जो बाकी टीवी के हिसाब से डबल है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके साथ में बाकी सारे कमाल फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अलग से यहाँ पे ग्राफिक के लिए इंजन है, तो अगर आप थोड़ा बहुत ऐप्स डाउनलोड करके थोड़ा बहुत गेमिंग ट्राई करते हो तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला, और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी सारे स्मार्ट फीचर्स, OTT प्लेटफॉर्म, सब कुछ देखने को मिल जाता है। प्राइस के बारे में बात करते हैं 24,999 यानी 25,000 में ये आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे इसके अंदर पड़ते हैं हमारे दूसरे नंबर वाले स्मार्ट टीवी की तरफ, जो है अमेजोन बेसिक्स की तरफ से, ये लेके आता है 43 इंच का फुल HD डिस्प्ले। उसके साथ में 20 वॉट का स्टीरियो स्पीकर, जहाँ पे अगेन आपको डॉल्बी और DTS का सपोर्ट मिल जाता है। और ये फायर टीवी OS लेके आता है, ये एंड्रॉयड लेके नहीं आता है। जहाँ पे इसमें भी कुछ बेनिफिट्स है, आपको एंड्रॉयड से थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिल जाता है, और थोड़ा एडिशनल फीचर्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड से कंपेयर करते हुए, पर परफॉर्मेंस आपको वैसे ही मिलेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है, और 1 GB RAM है, 8 GB स्टोरेज है। बाकी इसमें आपको एलेक्सा बिल्ट इन मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है।
बाकी आपको सारे स्मार्ट टीवीज के फीचर्स तो जो है वो आपको मिलेंगे ही। और इसके साथ में अगर हम लोग यहाँ पे वारंटी के बारे में बात करें तो वो एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है, जहाँ पे 2 साल का आपको वारंटी कंप्लीट टीवी पे मिलता है और उसके पैनल पे 3 साल का मिलता है। तो 1 साल का यहाँ पे एडिशनल वारंटी मिल रहा है आपको बाकी टीवी से कंपेयर करते हुए, इसके पैनल पे भी एंड ऑल ओवर टीवी पे भी, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ये अमेज़ॉन जैसे काफ़ी बड़े ब्रांड की तरफ से है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है ऑल ओवर इंडिया, कुछ भी अगर इशू होता है टीवी से रिलेटेड तो वो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद प्राइस के बारे में बात करें तो ये 23,999 यानी 24,000 रुपये में आ जाता है और आपका 1,000 रुपये भी यहाँ पे कम लग रहा है, यानी आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा ऑब्वियसली, वैसे अमेज़ॉन का ही है। सो एक काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पे अमेज़ॉन की तरफ से भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें पढ़ते हैं फाइनली हमारा नंबर 1 स्मार्ट टीवी की तरफ, एंड इसका यहाँ पे होने का बस एक ही सिंपल रीज़न है कि ये 4K डिस्प्ले लेके आता है, जहाँ पे अभी तक हमें सारे डिस्प्लेस फुल HD देखने को मिले बट ये हमें यहाँ पे 4K डिस्प्ले दे देता है, जहाँ पे ये आता है कोडैक की तरफ से। जी हाँ, 43 इंच का 4K डिस्प्ले पैनल लेके आता है, तो बहुत ज़्यादा कमाल एक्सपीरियंस होगा आपका इस प्राइस सेगमेंट में। उसके साथ में ये 20 वॉट नहीं, यहाँ पे आपको 24 वॉट का स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है, यानी साउंड पे भी ध्यान दिया गया है एकदम कम, कुछ आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, बाकी टीवी से थोड़ा बेटर ही मिल रहा है। यूजुअली सब में 20 वॉट मिलता है, एक में बस 40 वॉट था मोटरोला में, पर इसमें आपको 24 वॉट मिल रहा है, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड्रॉयड 9 है, आपको यहाँ पे 2 GB रैम मिल रहा है, यूजली सब में 1 GB थे कुछ सारे एक्सेप्शन को छोड़कर, पर आपको यहाँ स्टोरेज 8 GB मिल रहा है। उसके साथ में सारे स्मार्ट टीवी का फीचर्स तो आपको मिलेगा ही, और आपको 1 साल का कंप्लीट वारंटी मिल जाएगा इस टीवी पे। एक ऑल ओवर पैकेज बहुत ज़्यादा कमाल है, एंड सिर्फ इसका जो एक रीज़न है जिसके कारण हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है वो है इसका 4K, कि आपको कोई भी और टीवी पे इस बजट सेगमेंट पे 4K नहीं मिलने वाला। और इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, हमारे लिस्ट में सबसे कम है, जहाँ पे प्राइस है 23,499 यानी 23,500 रुपये में, कि आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा कमाल पैकेज यहाँ पे कोडैक के तरफ से। और आज के यार इस वीडियो पे इतना ही था, यही कुछ 5 कमाल के स्मार्ट टीवी थे जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस वाला टीवी चाहिए, एक ऑलराउंडर पैकेज चाहिए तो आप मोटरोला भी देख सकते हो, या फिर अगर आपको 4K एक्सपीरियंस चाहिए सेगमेंट में देन कोडैक देख सकते हो। बाकी अगर आपको थोड़ा ट्रस्ट चाहिए एंड आपको थोड़ा लंबा एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा सर्विस चाहिए, तो आप अमेज़ॉन देख सकते हो। बाकी और रेडमी और TCL की भी आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो इस वीडियो में तो इतना ही था, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके थॉट इसी वीडियो के बारे में। अगर आपके कुछ और भी सजेशन है तो नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो सून।